जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। इतनी खुदगर्जी अच्छी बात नहीं। ये तुम्हारा वही भाई है जो तुम पे हमेशा अपनी जान छिड़कता रहा, अपनी तंगदस्ती में भी तुम्हारी हर ख्वाहिश और हर फरमाइश पूरी की है। पैसा आने के बाद अपने सगे और इकलौते भाई के साथ इस तरह तुमने आंखें फेर दी, मेरी जान, अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला को गुरूर और तकब्बुर बिल्कुल पसंद है। बीजान बस भी करे ना, क्या हर वक्त लेक्चर झाड़ती रहती है, उसके अलावा आपको कोई काम ही नहीं है। और कुछ नहीं मिलता तो डराती रहती है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके अलावा जिंदगी में कुछ किया आपने? हाँ, कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी कुछ बनाया है? नहीं। और ना ही आपके इस बेटे ने कुछ भी नहीं किया, बस बेआसरा छोड़कर चला। बस कर दे, चुप कर जा, इसके आगे एक लफ्ज मत बोल। अरे अम्मा, मैं भाई की दुश्मन थोड़ी हूँ। अरे मैं तो खुद इसके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम लोगों की थोड़ी मदद चाहिए। ऐसा क्या करना चाह रही है तू? जो मैं करने जा रही हूँ ना, उसमें मेरा अकेली का कोई फायदा नहीं, फायदा होगा तो तुम सब लोगों का। और तू ये जो 2% की फटीचर दुकान खोलने का सोच रहा है ना, ये तो मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगी। करोड़पति बनने के ख्वाब देख रही हूँ, तुम लोगों को करोड़पतियों वाली जिंदगी देना चाहती हूँ। और तू ये 2% की दुकान खोल के सब किए किराए पे पानी फेरना चाहता है, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। तेरे लिए तो मैं कुछ ऐसा करूंगी तो सारी जिंदगी याद रखेगा, तसव्वुर नहीं किया होगा तूने। मजा आया, अमीर होने के बाद शॉपिंग करने का तो मजा ही हो रहा है। किरण, आप यहाँ? क्या हसीन इत्तेफाक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, ये हसीन इत्तेफाक का कारज तो करवा दो। ओ हाँ, ऑफ कोर्स। ये किरण है और ये मेरी छोटी बहन है नवीन। ये मेरा कहने को तो छोटा भाई है लेकिन दोस्तों जैसा है, कल ही बेल्जियम से आया। बहुत सुना है आप दोनों के बारे में। अरे हमने तो ज्यादा सुना है आपके बारे में। वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं, वो ये कर। ओके ओके, बस बस। वैसे हम लंच करने के लिए आए हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, I'm so sorry, मैं बातों में आपको ये बोलना भूल गई। Please join us. हमें अच्छा लगेगा। वैसे भी treat our ज़रबाब भाई ही दे रहे हैं। नहीं नहीं, प्लीज आप लोग इंजॉय करें, मैं बस चलूंगी। आप आएंगी तो अच्छा लगेगा। मैं शॉपिंग करने तो नहीं आई थी, बस ऐसे ही छोटे मोटे काम थे इसीलिए। शॉपिंग करने नहीं आई थी तो इतना कुछ खरीद लिया? मुझे तो आदत ही है, हर दूसरे दिन मॉल आ जाती हूँ। वो क्या है ना, मुझे ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड क्लॉथ्स, ये सब लेने का बहुत शौक है। अच्छा छोड़ेंगे बातें, आपको कैसे पता था कि भाभी यहाँ आ रही हैं? बस पता था। कह दो कि दिल को दिल से राह होती है। मतलब के भाई के दिल को पता था कि भाभी शॉपिंग करने आ रही है? शायद भाभी के दिल को पता था कि भाई हमारे साथ। स्टॉप कॉलिंग हर, भाभी माइंड कर जाएंगी। अरे क्यों माइंड करेंगी, बुला जाओ। अच्छा मैं खुद पूछती हूँ, आपको बुरा तो नहीं लग रहा था हम भाभी बोल रहे हैं आपको? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, दरअसल वो
फैमिलीज में बात नहीं हुई ना, तो इसलिए। अरे हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं आपके घर आने। अब आपकी फैमिली से कोई ग्रीन सिग्नल आए तो हम रिश्ता लेकर आए ना, तो कब आ सकते हैं हम लोग? बहुत जल्द, बहुत जल्द। मैं खुद आप लोगों को अपने घर वालों से मिलवाऊंगी। वो आंटी, आंटी अंकल कैसे हैं? वो तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि कब रिश्ता लेकर आएंगे, लेकिन इतना एक्साइटेड हुए हुए हमारे घर में तो कोई और टॉपिक डिस्कस ही नहीं होता। सिर्फ यही होता है कि भाई की शादी कब होगी। हम तो बहुत खुश हैं। अब मैंने आपको बोर तो नहीं करती अब बातें करके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस अब चलूंगी। वैसे मैं सीरियस हूँ, हम लोग लंच करने के लिए आए हैं। आप चले ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। ऑफ कोर्स मजा आएगा, लेकिन मेरा ड्राइवर इंतजार कर रहा होगा। मैं चलूं। देखिए अगर कोई इशू है आपको तो हम इसको साइड पे बिठा देंगे, कोई प्राइवेसी इशू भी नहीं आएगा। बहुत बोलती है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अब निकलती हूँ, काफी देर हो गई है। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी। बाय बाय। बाय। मुझे भी। चली गई। हाँ, काफी दूर चली। तुम लोग यार ज्यादा लंच कर रहे हैं। अम्मी किरण भाभी बहुत प्यारी हैं और बहुत खुश मिजाज भी हैं। आपको पता है वो इतनी अमीर है लेकिन वो कहीं से मगरूर नहीं लगती, और उनको मेरी तरह इतना शौक है ना शॉपिंग का, मुझे लगता है मेरी बहुत बनने वाली है उनसे। अच्छा, तुम सबको अगर इतनी पसंद है वो, तो मेरा तो इश्तियाक और बढ़ गया है उससे मिलने के लिए। कब आ रहा है उसका भाई दुबई से, कुछ पता चला? इसी हफ्ते बाबा, और नेक्स्ट वीक को हमें इनवाइट भी कर रहे हैं अपने घर। अच्छा, करता क्या उसका भाई दुबई में? कुछ खास पता नहीं है बाबा, लेकिन फैमिली बिजनेस है कुछ। आई थिंक एक मॉल है और प्रॉपर्टी है, तो वहां से रेंट आता है। ये तो अच्छी बात है। खैर, हमें अपने बहू के पैसे और जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अल्लाह क्या दिया, हमारे पास सब कुछ है, किस चीज की कमी है हमारे पास? बस बहू ऐसी लाना चाहते हैं हम जो मिलनसार हो, हंसने बोलने वाली हो, जोड़ कर रखने वाली हो सबको, समझदार हो। और जैसा तुम लोग उसके बारे में बता रहे हो, मुझे तो लगता है कि वो बिल्कुल ऐसी ही होगी। भाई जुहैब, तुम्हारा क्या ख्याल है? कोई लड़की है नजर में तो तुम्हारा भी साथ। मैं तो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता अभी। अरे, ये शादी कोई झंझट थोड़ी होती है। लेकिन फिर भी अम्मी, अभी तो करियर बनाना है, बहुत आगे जाना है मैंने। अच्छा, शादी तुम्हारे करियर में रुकावट नहीं बनेगी। भाई तुम्हें पता है, जब तुम्हारी माँ से मेरी शादी हुई थी तो सैनिटरी की एक दुकान थी, अब देखो कितनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन गया हूँ। ठीक है बाबा, जब पसंद आएगी ना तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। और कुछ? अच्छा अम्मी, मुझे याद आया, आप ही का मैसेज आया था कि शाम को आएंगे। अच्छा चलो भाई, उससे अपने माँ बाप का ख्याल तो आया। शुक्र, अब कम से कम दिन तो अच्छा गुजरेगा मेरा। अच्छा चलो, उठो चाय बनाओ, बहुत बातें कर ली, जाओ चाय बनाओ। तुम हर वक्त से काम कहते रहते हो। वही तो काम कर लिया करेगा। शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। तो क्यों नहीं करो? अभी भी इसलिए पसंद है, शॉपिंग करती है। अस्सलाम वालेकुम आपी। आजा गुड़िया आजा। कैसी हो? कैसी है मेरी बच्ची? बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी प्यारी पोनीज बांधी। ओहो, पोनीज नहीं है तो चोटियां बांधी है तुमने इसकी? जी। हाँ, यावर नहीं आया तुम्हारे साथ बेटा? अम्मी वही छोड़ के गए, शाम में आएंगे। अच्छा, बहुत दिन हो गए हैं उससे मिले हुए, कहना रात का खाना हमारे साथ ही खा कर जाए। अच्छा जी, बाकी सब कहाँ है?
और जुहेब के दर है, आज मैं स्पेशल उसी से मिलने आई हूँ। स्पेशली आपको जरबाब भाई से मिलना चाहिए। अच्छा, आपको पता है वो दूल्हा बनने जा रहे हैं, लड़की भी पसंद कर ली उन्होंने, बल्कि हम तो सोचे थे एक दो दिन में आपको भी मिलवाने जाएंगे। मम्मी, आपने लड़की भी पसंद कर ली और मुझे बताया भी नहीं, कौन है क्या है? बेटा तुम अंदर तो चलो, सब बताती हूँ मैं तुम्हें। आ जाओ शापिश, आ जाओ गुड़िया। अम्मी, मुझे तो आपकी बातें सुनकर परेशानी हो रही है। कौन है उस लड़की का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं पता। बेटा मैं तो खुद उसे अभी तक नहीं मिली हूँ, बस उसकी तारीफ ही सुनी है। तारीफ अभी उन चार लोगों से आपने सुनी होंगी। अम्मी, जरबाब बहुत सादा है, उसके लिए ऐसी लड़की मत लाइएगा जो उसे उंगलियों पर न चाहे। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, मुझे उसकी बहुत फिक्र रहती है। जुहेब बहुत समझदार है, वो तो अपने लिए कोई हीरा ही चुनकर लाएगा, लेकिन जरबाब। अम्मी जो भी हो, जरबाब बहुत सीधा और फरमाबरदार है। मैंने तो सोचा था उसके लिए सीधी सादी सी लड़की लेकर आऊंगी, लेकिन ये तो पता नहीं किसके चक्कर में पड़ गया है। सच कहो तो मुझे तुम्हारे दोनों भाइयों की समझ ही नहीं आती। अब जरबाब कितना संजीदा और सोबर है, उसको एक शोख और चंचल लड़की पसंद आती है, और जुहेब जिंदगी से भरपूर, हंसने हंसाने वाला, मिलनसार, खुश मिजाज, उसको उतनी ही सोबर और संजीदा लड़की पसंद आती है। अम्मी मुझे जरबाब की बहुत फिक्र हो रही है, इतना सीधा साधा मेरा भाई है, जिंदगी अपनी बर्बाद ही ना कर ले, हमारे हाथों से ना निकल जाए। अम्मी याद है एक दफा पड़ोस की लड़की उसको समझ आ गई थी, जो बहुत ही शौक और चंचल थी, कितनी मुश्किल से उससे मैं जान छुड़वाई थी उसकी, फिर नया खाता खोल लिया इसने। आप लोग ने हाँ क्यों की, माने क्यों आप लोग? पहले अच्छी तरह चेक कर लेते, फैमिली बैकग्राउंड चेक कर लेते, मुतमईन हो जाते, फिर हाँ करनी थी ना। सब तुम बिना वक्त से पहले परेशान मत हो, इंशाल्लाह वो वैसी ही होगी जैसे सुना है उसके बारे में, और सबसे बढ़कर जरबाब की पसंद है, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। क्या है अम्मी, नहीं होना परेशान बेटा। कितने सुकून से सो रही है ये, इसकी जिंदगी में इतना सुकून कैसे? इसने जिस तरह से बात की थी उसे तो पता चलता है कि इसे मालूम हो गया कि मैंने प्राइस बॉन्ड तब्दील कर लिया, फिर भी ये इस कदर मुतमईन कैसे है? क्योंकि उसका दिल साफ है। हाँ तो दिल तो मेरा भी साफ है ना। अच्छा, जरबाब से जो इतने झूठ बोले हैं तुमने, जब उसे हकीकत पता चलेगी तो उसका रद्दअमल क्या होगा, ये सोचा है तुमने? इस बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, और अब तो वो लोग घर आने के लिए भी कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा इतने बड़े झूठ को कैसे संभालूं। ऐसे कुछ वालेकुम सलाम। मैंने गुड मॉर्निंग बोला है। ये अंग्रेजी की गिटपिट मेरी समझ में नहीं आती। अरे दादी, जब हमारा स्टेटस बदलने वाला है तो थोड़ी आदतें भी तो बदलनी होंगी ना, और मैं बता देती हूँ कल से ये
चाय पापे का नाश्ता नहीं चलेगा। कल से तो बनेगा सिर्फ इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और लंच का मेन्यू वो भी मैं ही डिसाइड करूंगी। जा रही हूँ मैं बाजार कुछ सामान लेने के लिए, डेकोरेशन का भी सामान लेते हुए आऊंगी। लेकिन जो भी है, इस घर पे भी पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं, ना ये घर बदल सकता है और ना ही इस घर के लोग। तुम बदल गई हो ना, ये बहुत है। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं जो भी कर रही हूँ या करने जा रही हूँ इस घर के फायदे के लिए कर रही हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो। अरे भाई, तू मेरी बात को समझने की कोशिश तो कर। अच्छा चल छोड़ सारी बातें, ये बता कितने पैसे चाहिए तुझे बिजनेस के लिए? बोल दे, बार बार नहीं बोलूंगी, बता। कुछ भी नहीं चाहिए हमें, कुछ भी नहीं चाहिए। अपने पास रखो अपने पैसे, शॉपिंग करो जाके, कपड़े जेवरात जो कुछ भी चाहिए तुम्हें शादी के लिए वो खरीदो, हमारी फिक्र छोड़ दो। ए, कैसे फिक्र छोड़ दूं? जो भी है, इकलौता भाई है तू मेरा, तेरी फिक्र कैसे छोड़ सकती हूँ। अच्छा छोड़ ये सारी बातें, एक काम कर, चल मेरे साथ, हम प्रॉपर्टी डीलर के पास जा रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर? प्रॉपर्टी डीलर के पास, अब डिफेंस में बंगला भी तो लेना है ना। डिफेंस में घर लोगी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? 7-8 करोड़ का आता है डिफेंस में घर, कहाँ से खरीदोगी? इतना पैसा तो तुम्हारा लॉटरी में भी नहीं निकला। मैंने कौन सा खरीदने का बोला है, किराए पर लेंगे और वो भी फर्निश्ड। अच्छा चलो किराए की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान से बात कर रही है, लाखों रुपए खर्च होंगे महाना किराए पे, कहाँ से लाओगी? बच्ची नहीं हूँ मैं, अंदाजा है मुझे। वैसे भी गुजर बाप के घर वाले मरे जा रहे हैं रिश्ता लेकर आने के लिए, घर तो आज ही फाइनल करना होगा, वरना कहीं वो इस घर में आगे, इस झोंपड़ी में आगे हमारे हालात देख लिए ना, कहीं बदगुमानी ना हो जाए। तो उनसे झूठ बोलने की जरूरत क्या थी तुझे? अब तो बोल लिया ना, अब क्या कर सकते हैं, अब तो हो गया। बेटा मेरी मानो तो तुम से अपनी गलती का इकरार कर लो। अगर वो लड़का तुमसे मोहब्बत करता है तो वो तुम्हें माफ भी कर देगा और तुमसे इसी हैसियत में शादी भी कर लेगा। लेकिन ये शादी ब्याह के मामले में झूठ बोलना कुछ अच्छा नहीं लगता। कितनी बार समझाया मैंने, मुझे हर वक्त का ना ये लेक्चर मत दिया करें आप, जब देखो शुरू हो जाती हैं। आपको अंदाजा है मेरी रातों की नींद, दिन का सुकून सब उड़ गया है जब से मैंने ये झूठ बोला है। लेकिन आपको, आपको तो कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं है। शुक्र है खुदा का जो प्राइस बॉन्ड के नाम पर कुछ पैसे हाथ आ गए, अब मैं अपने ससुराल में वो सारा जहेज लेकर जा सकती जो जो कोई भी अमीर लड़की लेकर जाती। अरे उजाला, तुम्हें कुछ चाहिए? तू अब बैठा हुआ यहाँ चाय पिए जा रहा, रख दे, छोड़ दे, चल देर हो रही है। अरे चल ना, ये सब हटवा दो, कल से ये नाश्ता नहीं आएगा। उजाला, इस दुख को कब तक संभाल के रखोगी? ये मेरे इख्तियार में नहीं आ पी। मुझे इस बात का एहसास शिद्दत से हो रहा है कि जिन खुशियों, जिन सहूलतों का अहतमाम हो रहा है वो सब मेरे हिस्से की थी। अगर तुम्हारे हिस्से की होती तो तुम्हें जरूर मिलती ना, वो तुम्हारे हिस्से की थी ही नहीं। दिल की तसल्ली के लिए अब बात को जितना मर्जी घुमा कर कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि वो बॉन्ड मेरा था, उसे नाम पर मेरा हक था। अच्छा चलो ठीक है, पर सब अल्लाह पर छोड़ दो, देखना वो बहुत बेहतर फैसले करने वाला है। इस तरह दिन रात कुड़ने से हालात सही तो नहीं हो जाएंगे ना? इसके अलावा मैं कर भी क्या सकती? नहीं ऐसे नहीं, पहले तुम एक गहरा सांस लो और दिल खोल के ये सब कुछ कबूल कर लो। देखना इससे तुम्हें ना सिर्फ सुकून मिलेगा बल्कि एक वक्त आएगा जब तुम्हें तुम्हारा हक भी मिलेगा, समझ रही हो? मैं
ये तमाम के तमाम घर डिफेंस में है और ये जो आप देख रही हैं ये फेस फोर में है। इनका इंटीरियर भी बेहद शानदार है। घर तो बहुत खूबसूरत है लेकिन हमें घर फेज वन में चाहिए और कम से कम 1,000 गज का, और अगर उसमें एक अच्छा सैलून भी हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फेज वन में ये एक घर है, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल वैसा जैसा आप चाहते हैं, फुल फर्निश्ड। जी मैम। इसका किराया कितना है? 3.5 लाख रेंट है और 15 लाख सिक्योरिटी। कुछ कम नहीं हो सकता? मैं ओनर से बात करूंगा, दरअसल वो यूके में होते हैं तो उनसे फोन पर बात करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 3 लाख में फाइनल हो जाए। चले मैं आपको विजिट करवाता हूँ। जी किरण, जो कुछ कर रही है वो ठीक नहीं है सितारा। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, हम सबके भले के लिए कर रही है। जाहिर है तुम्हें तो यकीनन भरोसा होगा उस पे, ये सारी पट्टियां तुम्हारी तो पढ़ाई हुई हैं, साथ मिल बैठ के खाने का सबक ही नहीं सिखाया, खुद गलती तो करेगी। बस कर दे अम्मा जी, सारा दिन आप और आपकी नसीहतें, तंग आ गई हूं मैं। किरण से खुद बात कर लीजिएगा, ज्यादा शौक है ना आपको बोलने का, उसे बात कीजिएगा। उसे बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो मेरी बात कब मानती है। तुम माँ हो उसकी, तुम उसे समझा सकती हो। और एक बात बता दूं तुम्हें, ये शादी ब्याह के मामले में झूठ बोलना कोई अच्छी बात नहीं, और अगर यही सब कुछ करोगी ना तो मैं इस शादी में शरीक नहीं हूँ। अच्छा अम्मा जी, आप परेशान ना हो, मैं करूंगी किरण से बात, जबकि मैं जानती हूँ मेरी बात का असर होगा नहीं उस पे। आई है, मैं भूल गई, वो सुरैया है ना आपकी हमसाई, उसकी तबीयत खराब है, उसका पूछने चलते हैं अभी। चलते हैं, हलीमा तो आ जाए। आ जाएगी हलीमा, बस यहीं तक तो गई है बच्चों का नाप देने, कौन से उसने घंटों लगाने, बस मैं जल्दी से ये काट लूं ताकि वो आके हंडिया चढ़ा ले, फिर निकलते हैं। कैसा लगा घर? घर तो बहुत शानदार है, मगर हमारी हैसियत नहीं है रहने की। क्यों हैसियत नहीं है? पूरे 1.5 करोड़ की लॉटरी निकली है, कोई मामूली बात थोड़ी है। हर महीने किराया दोगी, पैसे खत्म होते जाएंगे, जाया क्यों कर रही हो? मैं तो कहता हूँ कि तुझे किसने कहा है कि हम हर महीने किराया देंगे और सारी जिंदगी हमने किराए पे ही रहना है? हो सकता है कि ऐसी कोई कोठी हमारी हो जाए और हमारे दिन पलट जाए। बल्कि मैंने तो सोचा है कि जरबाग से हक महर में एक कोठी अपने नाम लिखवा लूंगी और वहां तुम सबको शिफ्ट कर दूंगी, देखना जिंदगी के दिन कैसे पलट जाएंगे। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मैं जो कर रही हूँ ना मुझे करने दे, और वैसे भी मैं ये जो सब कर रही हूँ तुम लोगों के लिए तो कर रही हूँ। बड़ा आया, चल तुझे अच्छा सा लंच करवाती हूँ, क्या याद रखेगा? मुझे कोई लंच नहीं करना, जब से तुम्हारी लॉटरी लगी है मेरी भूख नींद सब उड़ गई है, सारे घर वाले पागल हो गए, पता नहीं क्या हो गया सबको। अच्छा छोड़ सारी बातें, एक काम कर तू मुझे ना किसी बड़ी सी गाड़ी वाले ना शोरूम में ले जा। वहां क्या करना? वहां से मुझे एक नई गाड़ी चाहिए, वो भी किराए पर, और उसके साथ साथ मुझे वो ड्राइवर भी चाहिए होगा। है? चल ना जल्दी से, भूख भी लगी है, घर वालों के लिए भी खाना पैक करवा लेंगे, खुश हो जाए तू। चल तो सही, मैं तुझे बताती हूँ। भाई
गाड़ी तो बहुत जबरदस्त है, कितने की होगी? सर इस कार का जो पर मंथ रेंट है वो 3 लाख रुपए है, और अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको ये गाड़ी 1 करोड़ रुपए की मिलेगी। 1 करोड़? जी बिल्कुल। नहीं नहीं, हम खरीदना नहीं चाहते, हमें किराए पर चाहिए। अच्छा, तो इसका जो रेंट है पर मंथ वो है 3 लाख रुपए। ठीक है, आप इस गाड़ी को खड़ा रखें, हम कल आएंगे और ये गाड़ी ले जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। चलें। चाहिए तुम्हें? वो दादी की बरसी थी, सारे मोहल्ले में बिरयानी भिजवाई है, तुम्हें मैं खुद देने आया हूँ। मैं बिरयानी नहीं खाती, जाओ यहाँ से। अच्छा तुम ना सही, घर वाले तो खा लेंगे, बड़ी मजे की बनी। घर पे कोई नहीं है, प्लीज जाओ यहाँ से। क्या घर पे कोई नहीं है? मैं आ जाऊं? रिजवान। अच्छा प्लीज नाराज तो ना हो, ये बताओ कि तुमने मुझे इनकार क्यों किया रिश्ते के लिए? मेरा दिल तोड़ दिया। अकेली है।
जाला प्लीज घबराओ मत, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। उजाला प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज जाओ यहाँ से। उजाला प्लीज प्लीज, मैं तुम्हें यहाँ नुकसान नहीं पहुँचाने आया हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। रिजवान जाओ यहाँ से प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे प्लीज दरवाजा खोलो। उजाला रिजवान, रिजवान जाला, दरवाजा खोलो। आपी क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? आपी वो जा। रिजवान आया था यहाँ पे घर में जी। क्या हुआ, क्या बात है? पहले दरवाजे पर आया, फिर पता नहीं कहाँ से कमरे तक पहुँच गया, वो तो मैंने दरवाजा बंद कर लिया था। कितनी जुर्रत कैसे हुई कि वो घर में आ गया? तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। अच्छा चलो चलो चलो, परेशान नहीं हो, देखते हैं उसको, उसकी इतनी जुर्रत कैसे होगी कि वो घर में आगे। मैं बख्तियार से बात करती हूँ, देखते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। है ना सदके जाऊं, कसम से तू बार भी क्यों ले आई, मेरा तो ये खाने को बिल्कुल आलू के कतले दिल नहीं चाह रहा था। इधर बैठ जाओ ना, इधर आओ, ये लो संभालो इसको। शाबाश आ जाओ, ऊपर बैठ। अरे अम्मा तू फिक्र ही ना कर, अब तुझे तेरी मर्जी के रोज पकवान मिलेगी, जो बोलेगी ना वो खिलाऊंगी। बीजान अब अभी तक नाराज है मुझसे? हटो, तुम्हें क्या कर्ज मेरी नाराजगी से? अब ऐसी बात भी नहीं है, ऐसा तो ना कहें। अम्मा जी बस कर दे, बच्चे की खुशी में खुश हो जाए। कैसी खुशी, कहाँ की खुशी? तुम्हारी बेटी एक हिमाकत करने जा रही, उसे मना करने के बजाय तुम उसका साथ दे रही हो इस ड्रामे में। मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया है, मैं ये घर छोड़ के किराए के घर में हरगिज नहीं जाऊंगी। घर वो जो अपना हो, अपनी हैसियत के मुताबिक हो। शादियां वहां होनी चाहिए जो अपने हिसाब से हो और अपनी हैसियत के मुताबिक लोग हो। जमीन पे रह के जो आसमान पे उड़ने की कोशिश करते हैं, हिमाकत करते हैं वो लोग। और शादियां झूठ की बुनियाद पे कायम नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें बता दिया, मैं हरगिज ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बस बीजान, मैं उजाला और बच्चे भी आपके साथ यहीं रहेंगे। मैं अपने बच्चों को इतनी महंगी कोठी में रहने की आदत नहीं डलवाना चाहती, और फिर इतने महंगे इलाके से यहाँ आया करेंगे पढ़ने। डलवा दूंगी ना वहाँ के स्कूल में, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इतने महंगे स्कूल के पैसे कौन देगा, और वैसे भी इंसान को अपनी चादर देख के पांव फैलाना चाहिए। लो भाई, इनके भी मुंह में जुबान आ गई। ठीक कह रही है, मैं भी हरगिज ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। आपने तो पहले ही हुक्मनामा जारी कर दिया था,
कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जिसने इस घर से नहीं जाना ना जाए, रहे इस डरबे में मेरी बला से। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही है, वो मैंने जरबाब को बता दिया था कि मेरे भाई की शादी हुई हुई है और उसके बच्चे भी हैं, और तो और बीजान के बारे में भी बता दिया था। अब अगर ये लोग वहाँ नहीं होंगे तो वो लोग तरह तरह के सवाल नहीं करेंगे। कह देना कि इसकी दादी मर गई है, मेरा तुमसे और तुम्हारी इस बेटी से कोई वास्ता नहीं। यहाँ रखो। अम्मा जी कैसी बातें कर रही हैं आप, जब रिश्ता तय होगा वो पूछेंगे नहीं दादी और भाभी बच्चे कहाँ हैं। भाई शादी में शिरकत कर लेंगे लेकिन ये घर और ये छत छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, समझ गए हो तुम लोग? अम्मा जी हाथ बंधे हैं आपके सामने, बस कर दें, थूक दें गुस्सा। मेरी बेटी की जिंदगी का, उसकी खुशियों का सवाल है।